देखिए, मैंने जब डिस्चार्ज किया था उस वक्त भी आपसे कहा था कि वो पूरी तरह से सेहतमंद नहीं हुए हैं। जिस वक्त उन्हें मेदांता से डिस्चार्ज किया गया तो मैंने देखा था वीडियो में कि वो व्हीलचेयर से लाए जा रहे थे और उनके हाथ पैर बेहद कमज़ोर थे। तो मैं तो ये मानती हूँ कि उसमें यकीनन कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है। और यह भी राजनीति का एक घिनावना जरूरी है। एक समय जिस आजम खान की एक फोन से सरकारी महकमों में हंगामा मच जाता था, आज उसी आजम खान की हालत क्या है, आप खुद उनकी पत्नी ताजीन फातिमा से सुनिए। ताजीन फातिमा का आरोप है कि आजम खान के खिलाफ साजिश हो रही है, उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि डिस्चार्ज के वक्त ही ये लग रहा था कि आजम खान सेहतमंद नहीं है। आखिर कौन सी जल्दी थी कि उन्हें अस्पताल से सीतापुर जेल भेज दिया गया। डॉक्टर ताजीन फातिमा ने इसे गंदी राजनीति का एक पैंतरा बताया है। देखिए, मैंने जब डिस्चार्ज किया था उस वक्त भी आपसे कहा था कि वो पूरी तरह से सेहतमंद नहीं हुए हैं, और पता नहीं ऐसे कौन से हालात थे कि उन्हें सेहतमंद बताकर मेदांता हॉस्पिटल ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। और मेदांता के डायरेक्टर का ये बुलेटिन मैंने जब पढ़ा कि वो पूर्णतया स्वस्थ हैं, तो ऐसा नहीं था। जिस वक्त उन्हें मेदांता से डिस्चार्ज किया गया तो मैंने देखा था वीडियो में कि वो व्हीलचेयर से लाए जा रहे थे और उनके हाथ पैर बेहद कमज़ोर थे और ठीक से उनसे एम्बुलेंस में बैठा चढ़ा भी नहीं जा रहा था, तो उन्हें सहारा देकर चढ़ाया गया था। तो मैं तो ये मानती हूँ कि उसमें यकीनन कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है। और यह भी राजनीति का एक घिनावना जरूरी है। तो इस सब के पीछे आपके एक सियासी यकीनन सियासी रंजिशें ही हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आजम खान से मिलने के लिए लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे। अखिलेश यादव ने डॉक्टरों से आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली और बाहर आकर योगी सरकार पर जमकर बरसे। मैं मेदांता के डॉक्टर्स और यहाँ के डायरेक्टर से मिलने का मुझे मौका मिला। मैंने आदरणीय आजम खान साहब के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जो डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि इलाज चल रहा है और वो स्वस्थ हैं, और जितना भी अच्छा इलाज हो सकता है वो यहाँ उनको उपलब्ध कराया जाएगा, और हम सब चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ हों। और वहीं हमें ये भी भरोसा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको झूठे मुकदमों में फंसाया है, जितनी भी परेशानी आ सकती थी उन परेशानी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में किया है। हमें पूरा भरोसा न्यायालय पर है कि न्यायालय न्याय करेगा और बहुत जल्दी आजम खान साहब हमारे बीच होंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे सीनियर सपा नेता आजम खान की तबीयत अचानक सोमवार को बिगड़ जाने से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि आजम खान को सांस लेने में तकलीफ आ रही थी, उनका ऑक्सीजन लेवल भी डाउन बताया जा रहा है। आजम की सेहत की जांच जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने की। जाँच में आजम खान का ऑक्सीजन लेवल कम पाया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें लखनऊ के किसी अच्छे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। फिलहाल आजम खान का इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। दरअसल रामपुर एडीजे कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध कब्जे के दर्जनों मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल भेज दिया था। तजीन को इस साल की शुरुआत में जमानत मिल गई थी, लेकिन आजम और अब्दुल्ला सीतापुर जेल में बंद थे। यही दोनों कोरोना की चपेट में आए और इनका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में शुरू हुआ। एक समय आजम खान की तबीयत काफी बिगड़ गई थी, उनके फेफड़े काफी ज्यादा संक्रमित हो गए थे, लेकिन डॉक्टरों की देखरेख में वो रिकवर कर गए। रिकवरी के तुरंत बाद उन्हें सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।